पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुली रहे, हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें। आंखें बंद कीजिए, एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। धीरे से सीख आज विश्रांति का अनुभव कीजिए। अब हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, कोई भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए, कमर और गर्दन सीधा रखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। श्वास छोड़िए, निश्वास कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। Bye.